में से बहुत सारे लोग आज भी देखते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्टून कौन सा है? अगर नहीं तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखते रहिए, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक बार आपको आपके बचपन की याद जरूर दिला देगा। नंबर 10th पर है मिक्की माउस क्लब। तो मिक्की माउस को तो हर बच्चा जानता ही है क्योंकि इंडिया में मिक्की माउस के टॉय शोज राइड्स काफी ज्यादा फेमस है। ये शो 5 मई 2006 को रिलीज हुआ था और इसे वॉल्ट डिज्नी एंड हाई एडल्ट क्विस्ट ने बनाया है। इस कार्टून के कुल मिलाकर 14 सीजन बनाए गए हैं जिसमें 620 एपिसोड है। ये अमेरिका का कार्टून है और इसका फाइनल एपिसोड 6 नवंबर 2016 को रिलीज हुआ था और आज भी ये इंडिया में आता है डिज्नी जूनियर पे। नंबर 9th पर है ओगी एंड द कॉकरोचेस। एक टाइम पे इस कार्टून का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ करता था। ये फ्रेंच का कार्टून है और इंडिया में इसका फेमस होने की एक ही वजह है इसके ऊपर की गई हिंदी डबिंग। इस कार्टून को जीन येमिस रैमफोर्ड ने बनाया है और ये इंडिया में 16 जुलाई 2012 को रिलीज हुआ था। इस शो के टोटल 7 सीजन है जिसमें 501 एपिसोड है और अभी भी इस कार्टून का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा है और अभी भी इसके एपिसोड आना बंद नहीं हुए हैं। नंबर 8 पर है मिस्टर बीन एनिमेटेड सीरीज। ये इंसान और इसका टॉय जिसका नाम टेडी है वो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। इस शो का फर्स्ट एपिसोड 5 जनवरी 2002 को और लास्ट एपिसोड 8 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुआ था। इस कार्टून में जो इंसान है वो असली में भी है और उसका नाम मिस्टर बीन है और उसके ऊपर एक रियलिटी शो भी बनाया गया है। ये इंग्लैंड का कार्टून है और इसके कुल मिलाकर 5 सीजन बनाए गए हैं जिसमें 130 एपिसोड है और आज भी पोगो चैनल पे ये आता है। नंबर 7 पर है निंजा हथौड़ी। तो इस डिंग डिंग करने वाले निंजा को तो सभी लगभग जानते हैं। ये शो बहुत ज्यादा फेमस था बच्चों के बीच में और आज भी इसके नए एपिसोड आते हैं निकलोडियन चैनल पर। ये कार्टून 12 मार्च 1983 को रिलीज हुआ था और इसके 700 से भी ज्यादा एपिसोड बनाए गए हैं। इसके इतने ज्यादा फेमस होने की वजह से इसके ऊपर फिल्म्स भी बनाई गई है, एनिमे में भी और रियलिटी में भी। नंबर 6 पर है बेन 10 सीरीज। तो इस लड़के को, इसकी बहन को और इसके दादाजी को अपने टीवी पर एलियनों से लड़ते हुए तो देखा ही होगा और इसकी घड़ी हम सभी को अपने बचपन में चाहिए थी। इस कार्टून को मैन ऑफ एक्शन ने बनाया है और यह अमेरिका का कार्टून है। इसकी पहली सीरीज 14 जनवरी 2006 को रिलीज हुई थी और अभी भी इसके लेटेस्ट एपिसोड बेन 10 ओमनीवर्स के कार्टून नेटवर्क पर आते हैं। बेन 10 की कई सारी सीरीज है और उनके भी कई सारे एपिसोड है। बेन 10 के 52 एपिसोड, बेन 10 एलियन फोर्स के 46 एपिसोड, बेन 10 अल्टीमेट एलियन के 52 एपिसोड, बेन 10 ओमनीवर्स के 80 एपिसोड। इस कार्टून की न्यू सीरीज भी अभी चल रही है जिसका नाम है बेन 10 जूनियर। नंबर 5 पर है शिनचैन। तो इस 5 साल के शरारती बच्चे को तो आप सभी जानते ही होंगे जिसका नाम है शिनचैन नोहारा। इस शो की शुरुआत 19 जून 2006 को इंडिया में हुई थी और फिर बाद में यह बैन भी हो गया था और कुछ समय के बाद इस पे से बैन हटा दिया था इसके सारे नूड सीन कट कर। योशितो उसुई ने इस कार्टून को बनाया है और इस पे 1000 से भी ज्यादा एपिसोड और कई सारी मूवी बनी है। ये शो वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस होने की वजह से जापान की कासुकाबे सिटी में शिनचैन की फैमिली का एक स्टैचू भी बनाया गया और पूरी दुनिया में कासुकाबे शिनचैन के शहर से जानी जाती है। नंबर 4 पर है पोकेमोन। पोकेमोन मास्टर बनने का सपना हम सभी में से बहुत सारे लोगों का था अपने अपने बचपन में और एश और पिकाचू को तो सभी लोग जानते ही हैं। ये शो जापान का है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 में हुई थी और आज भी इसके नए एपिसोड कंटिन्यू है। इसमें कुल मिलाकर 1100 से भी ज्यादा एपिसोड बनाए हैं और बहुत सारी पोकेमोन के ऊपर मूवी बनी है। इस कार्टून के ऊपर एक रियलिटी मोबाइल गेम भी बनाया गया था जिसका नाम है पोकेमोन गो और यह अभी तक इतना ज्यादा फेमस है और जब ये लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे इसका क्रेज बहुत ज्यादा था। नंबर 3 पर है डोरेमोन। इस कार्टून के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी इसके बारे में जानते हैं कि एक रोबोट बिल्ली अपने फ्यूचर के गैजेट से एक बुद्धू से लड़की की मदद करती है जिसका नाम है नोबिता। ये जापान का कार्टून है और इसके ऊपर 1800 से भी ज्यादा एपिसोड, 25 से भी ज्यादा मूवी और कुछ मूवी तो सिर्फ इंडिया के लिए ही बनाई गई है। इंडिया में शो की शुरुआत 13 फरवरी 2005 में हुई थी और आज भी हंगामा चैनल पे ये आता है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये शो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। नंबर 2 पर है छोटा भीम। आजकल के बच्चों के बीच में शो काफी ज्यादा पॉपुलर है और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आजकल के बच्चे से बहुत सारी अच्छी आदतें सीख रहे हैं। ये इंडिया का कार्टून है और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2008 को हुई थी। इसके कुल मिलाकर 12 सीजन बनाए गए हैं जिसमें 625 से भी ज्यादा एपिसोड और 48 से भी ज्यादा मूवीज है और इस शो से रिलेटेड काफी सारे कार्टून बने हैं, माइटी राजू, लिटिल भीम और सुपर भीम। नंबर 1 पर है उसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर दीजिए, अभी तक पसंद नहीं था चैनल को सब्सक्राइब की बिना कहीं मत जाना और जो लिस्ट में नंबर 1 पर है वो है टॉम एंड जेरी। शो की पॉपुलरिटी जानने के लिए आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग या फिर दादा दादी से पूछिए कि क्या कभी आपने चूहे बिल्ली वाला कार्टून देखा है या फिर सुना तो जरूर होगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में और पूरी दुनिया में। इस कार्टून की शुरुआत 10 फरवरी 1940 में हुई थी और ये अमेरिका का कार्टून है। इसके ऊपर कई सारे सीजन, उसके कई सारे एपिसोड और उसमें कई सारी मूवियां भी बनाई गई है। अभी 2-3 साल पहले इसके ऊपर एक नया सीजन स्टार्ट हुआ था टॉम एंड जेरी डिटेक्टिव नाम का इंडिया में और आज भी इसका कोई सा भी सीजन या फिर सीरीज देखना शुरू कर दो तो यार रुक ही नहीं जाता। तो दोस्तों
ये थी मेरी वीडियो इंडिया में 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्टून के ऊपर। मैं आज भी इनमें से बहुत सारे कार्टून देखता हूँ, बस छोटा भीम को छोड़ के मेरे को काफी ज्यादा पसंद है सभी कार्टून। आपको क्या पसंद, नीचे कमेंट।